हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? माय नेम इज़ हरीश पटेल। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में आपको जो ड्राइंग सिखाने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। अगर इसमें से एग्ज़ाम में आया ड्राइंग तो किस तरह से आप करोगे, तो इसके लिए मैंने आपको वर्कबुक ली है और वर्कबुक में आपको समझाता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप वर्कबुक लीजिए, वर्कबुक को ओपन कीजिए और पेज नंबर 28 तो पेज नंबर 28 पर ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन है, ये वाली डिज़ाइन और ये डिज़ाइन, ये दो डिज़ाइन दी गई है और इस दो डिज़ाइन में से आपको एग्ज़ाम के वक्त में किसी एक डिज़ाइन को आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद इसमें वाटर कलर से कंप्लीट करना है इस डिज़ाइन को। तो चलिए मैं सिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनती है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि 12 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाएंगे। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन की है, ड्रॉ की है। तो पेंसिल से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से जो बताई गई है उसी तरह से हम इसमें ड्राइंग करेंगे। तो ये फ्लावर मैंने ड्रॉ किया है, फिर ये लिप वाला लिप है, आधा लिप, तो वो आधा लिप भी इसमें यहाँ आता है इस तरह से, फिर दूसरा लिप आता है, तो पूरा लिप दिखाया गया है यहाँ, तो ये पूरा लिप यहाँ आएगा ऐसे। फिर इसके बीच वाली लाइन, फिर यहाँ एक दूसरा फ्लावर है, फिर यहाँ एक फ्लावर जो है उसकी पंखुड़ियाँ दिखाई गई है, दो पंखुड़ियाँ पूरे पूरी हैं और तीन पंखुड़ियाँ जो थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है आपको, फिर यहाँ तीसरा है, और तीसरा फ्लावर तीसरा लिप यहाँ दिखाई दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्राइंग आपको कंप्लीट आपके मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद इसमें क्या करना है हमें, तो वाटर कलर से, जो ये वाटर कलर है, वाटर कलर, तो ये वाटर कलर से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो आइए शुरू करते हैं, हम वाटर कलर से काम शुरू करते हैं। तो किस तरह से इसमें करना है काम, तो सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रश लेंगे। तो जिस तरह से उसमें कलर दिखाया गया है, सबसे पहले हम येलो कलर लेंगे। तो येलो कलर, ये मैंने येलो कलर ओपन किया और इसके अंदर मैं ब्रश डाल के इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया है मैंने, और ब्रश की मदद से मैं येलो कलर लेता हूँ और ज़्यादातर ब्रश के अंदर से निकला हुआ निकाल देता हूँ, सॉरी। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ, सॉरी, यहाँ एक लिप बाकी रह गया है वो ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरह से ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। और हम क्या करेंगे, इसमें कलर लेंगे। तो पहले ब्रश की मदद से, जीरो रुपये के ब्रश से हम कलर लेंगे और फिर उसके अंदर सबसे पहले बॉर्डर करेंगे और फिर इसके अंदर कलर भरेंगे हम ऐसे। तो जहाँ जहाँ येलो कलर दिया गया है वहीं अब हम ये कलर लगाएंगे, येलो कलर इस तरह से यहाँ मैं लगाऊँगा। पूरा ध्यान से देखना तो आपका आपको ड्राइंग समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। मेथड जो दिखाई गई है वही मेथड से आप काम करना, जिससे पहले बॉर्डर में कलर भरेंगे हम और उसके बाद बीच में कलर भरेंगे हम, ताकि बॉर्डर के बाहर कलर ना चला जाए और हमारा शेप वैसा के वैसा दिखे।
तो देखा आपने जहाँ जहाँ ये अलग अलग था वही मैंने ये अलग अलग लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, तो इसके बाद हम करेंगे रेड कलर लेंगे हम, थोड़ा सा रेड उसमें मिक्स किया हुआ, ऑरेंज मिक्स हुआ थोड़ा, और यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया है, ऑरेंज और रेड थोड़ा मिक्स किया है। और ये कलर मैं यहाँ लगाऊंगा, इस तरह से यहाँ लगाऊंगा। अगर आपने एक दोबारा कलर लगा दिया तो फिर से हम उसमें दोबारा कलर भरेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आ सके। फिर यहाँ अगर आपके कलर में पानी ज़्यादा होगा और कलर कम होगा तो कलर लाइट बन जाएगा, मीन्स कि जब आप कलर भरोगे तो लाइट दब दिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो फिर से उसके ऊपर कलर लगाना है ताकि वो धब्बे जो दिखते हैं ना वो दिखाई नहीं दें। आपने देखा कि यहाँ देखो, आपने देखा ये कलर लाइट है, तो फिर से उसके ऊपर मैं दूसरी बार लगाता हूँ और इसको कंप्लीट करता हूँ ऐसे। सॉरी थोड़ा सा बाहर निकल गया है, कोई बात नहीं, वो फिर से आ सकता है, आ जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो ऐसे बाहर निकल जाएगा कलर। तो इस तरह से यहाँ मैंने येलो रेड कलर और ऑरेंज कलर ले लिया, डार्क ऑरेंज रेड मिक्स किया हुआ है उसमें थोड़ा सा, और इसी तरह से यहाँ भी मैंने लगाऊंगा। इस तरह से यहाँ भी थोड़ा सा, तो इस तरह से हमें जिस तरह से उसमें बताया गया है उसी तरह से हम कलर वन बाय वन अलग अलग शेप में हम कलर भरेंगे और उसके जैसे हम ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट किया हुआ है, तो इस तरह से देखो, तो ये ड्राइंग मैंने कंप्लीट कर दिया है। और कंप्लीट करने के बाद उस पर हम स्केच पेन लगाएंगे, ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन लगाएंगे और इसके अंदर डॉट डॉट की डिजाइन है, जो ब्रश की मदद से हम डॉट डॉट की डिजाइन बनाएंगे। फिर लग्जर पेन की मदद से हमें जो ये यहाँ दिखता है आपको, तो लग्जर पेन की मदद से मैंने यहाँ लाइन वर्क किया हुआ है, यहाँ भी मैंने लाइन वर्क किया हुआ है लग्जर पेन की मदद से। तो इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट होता है। और इस तरह से दूसरा भी ड्राइंग, जो दूसरा ड्राइंग दिखाया गया है डिज़ाइन, ये डिज़ाइन वाली, ये डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन भी मैंने इस कंप्लीट की है कलर के अनुसार। तो देखो ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर दी है। तो इस तरह से आप कलर भरेंगे और इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, कोई स्टूडेंट ऐसा सोचेगा कि मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मुझे इसके सिवा दूसरा कलर चाहिए, मेरी चॉइस के कलर, तो आप अपनी चॉइस के कलर ले सकते हो और इसमें कंप्लीट कर। फर्क इतना मालूम होना चाहिए आपको कि एक कलर दोबारा उसके साथ साथ में ना आना चाहिए। जिस तरह से ये दिखा रेड कलर है, तो ये मैंने यहाँ लगाया है, फिर यहाँ लगाया है, फिर यहाँ लगाया है और फिर यहाँ लगाया है, तो वो पास पास में नहीं है, यानी कि क्रॉस में है। तो इस तरह से आपको भी मालूम होना चाहिए कि जो कलर आप लेते हो तो वो उसके पास में ना आना चाहिए, उसके ऑपोज में चला जाए तो अच्छा लगेगा, वरना पास पास में लगा तो ये दो, अगर ये रेड कलर मैंने इसके यहाँ लगाया फिर यहाँ की जगह ये मैंने यहाँ लगाया होगा, तो ये दो सेप पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, तो उसको मैं मालूम ही नहीं होगा कि कौन सा सेप है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये दो डिज़ाइन
ये दो डिज़ाइन हमें कंप्लीट करनी है इसमें, देखा है? तो आपको दिखाई देता है कि ये दो डिज़ाइन है मैंने कंप्लीट करी है, ऊपर नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। तो जिस तरह से इसमें बताया गया है पूरी तरह से मैंने इसमें जो कलर बताया गया है उसी तरह से मैंने कलर भर के उस डिज़ाइन को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसा कलर बनाना चाहते हो तो ऐसा कलर बना के ये डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो, वरना इसके सिवा आपको जो भी कलर आपको पसंद आता है वो कलर से हम अब ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है आपको। और एग्ज़ाम के वक्त अगर ये जो डिज़ाइन दो आती हैं तो दो में से किसी एक डिज़ाइन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एग्ज़ाम के वक्त तो ये दो डिज़ाइन में से एक डिज़ाइन को आपको कंप्लीट करना है, ड्रॉ करना है, बाद में वाटर कलर से इसको कंप्लीट करना है। पेंसिल कलर नहीं चलेगा एग्ज़ाम में, अभी जो सेकंड एग्ज़ाम आपकी आती है तो उसमें टोटल वाटर कलर का यूज़ करना है आपको, पेंसिल कलर का यूज़ करना नहीं है। ये पूरा हर एक स्टूडेंट समझ लें और सुन लें कि आपको जो ड्राइंग का एग्ज़ाम आता है तो ड्राइंग के एग्ज़ाम में जो ड्राइंग आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, इसमें जो आप ड्राइंग करेंगे वो ड्राइंग टोटली आपको वाटर कलर में कंप्लीट करना है। अगर वाटर कलर के सिवा दूसरा कलर आपने यूज़ किया तो आपका मार्क्स कट सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने ये मेथड आपको समझाई है, मेथड से ये डिज़ाइन मैंने आपको समझाई है, पूरी उसी मेथड को ध्यान से सुने समझे और फिर काम शुरू करें। मैं समझता हूँ अगर आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से काम करोगे मेथड के अनुसार तो 100% ड्राइंग आपका अच्छा ही होगा और आपका पूरा मार्क्स उसमें मिल सा है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेथड एक बार दो देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, हो सके तो ये सभी के सभी ड्राइंग का मैंने जो वीडियो भेजा है आपको तो ये वीडियो आप अपलोड कर दो, या फिर आपके घर में टैबलेट है या फिर लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप उसमें डाउनलोड कर दो, ताकि जब भी आपको कोई दुविधा होती है तो ये वीडियो ओपन करके इस ड्राइंग को कंप्लीट देख के और फिर मेथड को यूज़ करके आप ये ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आशा रखता हूँ कि ये जिस तरह से मैंने ये मेथड सिखाई आपको डिज़ाइन में उसी तरह से आप काम करोगे तो 100% आपका ड्राइंग अच्छा, आपकी डिज़ाइन अच्छी होगी, ठीक है। बाय।